दोनों टीमों में अपने अपने सीट पर बैठे रहे और गेम का आनंद ले। एक बार फिर बहुत ही अच्छी सर्विस। खेल का मुजाहरा दिखाते हुए दोनों टीम फाइनल में बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी सर्विस बढ़िया लिफ्टिंग क्या बॉल आप एक और पॉइंट मिलता है मेरा एक और पॉइंट लेते हुए संभल की टीम। तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा ये सीआरपीएफ फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी चेरीवान की टीम को एक और पॉइंट मिलता हुआ 14 पॉइंट हो चुके हैं। कामयाब हो गई चेरीवान की टीम। अगर इस गेम में बने रहना है तो एक और पॉइंट मिलता हुआ गेम बॉल पास करते हुए क्या शानदार 17 पॉइंट चेरीवान के कारकर्दगी बहुत ही अच्छा अभी तक हमें देखने को मिला है बहुत ही खूबसूरत अभी तो लीसर में सेंटम सेंटर में बाल के पास के आउटडोर शूटिंग के पास सुपर की टीम को सुपर बॉल की 14 पे दोनों टीमों को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस कप्तान दोबारा ना आपको नेट और बॉल लेना है वापस आए मत बनिया ये फ्रेंड की थी कैप्टन एक बार फिर वापस आएगा फ्रॉड टीम के कैप्टन शाकिर अहमद एक बार गुलाम मसंदा के फिजिकल टीचर हरिगनियान से कैफी इसके बाद सीपीएस है विजयी टीम को चेरीवान टीम को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। ओएस अहमद कसाना आई एम फ्राम सुंबल गुंड गांधरबल। हमने यहाँ पे टूर्नामेंट खेला जो कि सीआरपीएफ गुंड ने ऑर्गेनाइज किया था। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, हमें मौका मिला अपने स्किल्स शो करने का और हमने यूनिटी दिखाई, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। इससे क्या होता है कि जो यूथ है वो ड्रग्स की ओर नहीं चलते और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाए। वी आर वेरी थैंकफुल एंड शो अवर हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू द 18BN सीआरपीएफ कैंप गुंड गांधरबल। मेरा नाम साहिल फारूक वानी, मैं चेयरमैन सेसर हूँ। सर यहाँ पर ये बहुत टाइम के बाद हुआ है टूर्नामेंट, ये CRP 118 ने ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट इसने किया है। यहाँ पर सर 10 टीमें थी, वुसन से लेकर गुंड तक सभी ने बेस्ट दिया, लेकिन यहाँ पर चेयरवन और सुमल के दरमियान फाइनल हो गया तो वो चेयरवन ने फाइनल जीता है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं CRPF 118 बटालियन गुंड गांधरबल आज यहाँ पर वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट था उसका समापन हुआ। टूर्नामेंट का आगाज कल हुआ था, उसमें यहाँ स्थानीय जो गांव है लोकल आसपास के वहाँ गांव से हमने 10 टीमों को बुलाया गया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन किया टीमों ने। अगल बगल चाहे जितने गांव हैं चेरीवान, मामर, सरपरा, सुंबल और गोंड, गगनगीर, चेरीवान, जितनी टीमें सब आई और यहाँ पर लड़कों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात तो है लड़कों के साथ साथ जो लड़कों के घर वाले हैं या जो ग्राम प्रधान है, पंच है, उन्होंने ही लड़कों को मोटिवेट किया, नहीं जाइए आप सीआरपी के साथ। और हमें बड़ा खुशी हुई इस बात की लेके कि जब हम मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तब हमें ऐसी अनुभूति होती है यार कितने अच्छे लोग हैं। और वो तो एक कंधे पे हाथ रखने की जरूरत है लड़कों के यहाँ पे, तो लड़के ऑटोमेटिक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के चलने के लिए तैयार रहते हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे चेरीवान की जो टीम थी लड़कों को विजेता घोषित हुई है और सुंबल की जो टीम थी उप विजेता रही है। इसमें सभी लड़कों को हमने, चाहे वो सोक से पीटी सू है, नेकर टी शर्ट वगैरह सब दिया गया। टीम्स के लिए हमने नेट वॉलीबॉल वगैरह ये भी सब दिया गया। विनर टीम को हमने 10,000 का चेक दिया गया यहाँ पे केस रिवार्ड, और जो उप विजेता टीम थी उसको भी 6,000 का हमने केस रिवार्ड दिया। 14 जून से लेकर के 15 जून तक 118 बटालियन गुंड में सीआरपीएफ फ्रेंडशिप कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कंगन क्षेत्र की 10 टीमों ने भाग लिया। और आज जो फाइनल गेम खेला गया उसमें चेरीवान की टीम विजयी रही। और ये श्रीनगर सेक्टर के अंतर्गत सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यह गेम कराया गया। भविष्य में इस तरह से और भी गेम कराने की योजना है। इस गेम कराने से जो है आपसी यहाँ के लोकल लोगों के साथ सीआरपीएफ का आपसी तालमेल और मधुर संबंध कायम रहता है। और इस गेम के तहत हमने देखा कि जो है यहाँ के लोकल जो यूथ हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, और मैंने इनको बहुत ही मोटिवेट किया। और मुझे आशा है कि भविष्य में जब भी इस तरह से गेम कराए जाएंगे और भी अच्छी तैयारी करके यहाँ के लड़के आएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे।